हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज बात करेंगे किस प्रकार से एक कॉमी शेफ एक कॉमी लेवल से उठ के आगे जाके एक एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकता है, हो सके तो उससे भी ऊपर पोजिशन पे जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बोलना चाहूँगा, मेरी जो वीडियो है ये होटल रिलेटेड होती है, तो प्लीज़ अगर आपकी फैमिली में रिलेशन में कोई इस फील्ड से है तो उसके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो उसका बेनिफिट उठा सके। तो चलिए, जब हम लोग कोई कॉलेज चूज करें तो कोशिश कीजिए कि कुछ कोई ऐसा कॉलेज हो जिससे कि आपके जो पुराने सीनियर्स हैं उसे पास आउट हो और वो किसी एक अच्छे मुकाम पे हो। जी हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा। या वो आपको कोई कॉलेज रिकमेंड करे, ये नहीं कि आपने कहीं से कुछ पढ़ा और आपने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आपको कुछ सालों बाद सेम वही रिजल्ट मिला जो उनको मिला है, वो भी एक ही पोजीशन पे या एक ही जगह कई कई साल नौकरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब कि कहीं भी वो अपने आप को इम्प्रूवाइज नहीं कर पा रहे हैं और वो भी अपनी लाइफ से दुखी हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों की राय बिल्कुल भी मत लीजिएगा जो कि किसी एक जगह पर रुक के बैठे हैं कई सालों से और सेम पोजीशन पे सेम सैलरीज पे हैं। तो आपको उनकी राय बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो आपको एक अच्छा कॉलेज चूज करना है, किसी की रिकमेंडेशन से कॉलेज चूज कीजिए, ताकि वो आपको भी आगे हेल्प के लिए। अब बहुत सारे आपको मेंटर्स मिल जाएंगे, आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको कई सारे कॉलेज का नाम बता सकता हूँ जहाँ से आप लोग ये चीजें कर सकते हैं। इसके बाद जब आप कॉलेजेस में जाते हैं तो आपको अपनी जो प्रैक्टिकल पार्ट है, आप लोग हमेशा उस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। आप शुरू में ही जाके कोशिश करने लग जाते हैं कि मैं बहुत बहुत तेज़ी से प्याज काटने लग जाऊं, या मैं आपका बहुत तेज़ी से कुछ भी काम करने लग जाऊं। पर आपको जो अपना थ्योरी वाला पार्ट है उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है कि आपका थ्योरी का पार्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका प्रैक्टिकल पार्ट। तो ये अपने दिमाग में अभी से डाल लीजिए, क्योंकि हमेशा हम एक चीज़ की तरफ जाते हैं जो हमें सहूलियत होती है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं नहीं चाहता मैं पढ़ाई लिखाई करूं, तो मैं अपना जो थ्योरी वाला पार्ट है वो करने नहीं करता हूं, और जो मुझे सिर्फ अपना जो फिजिकल वाला काम है उसमें करने लग जाता हूं, क्योंकि बिल्कुल ही गलत है। आप दोनों तरफ ही ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें अपने कम्फर्ट जोन से अपने आप को बाहर यहाँ निकालना होता है। उसके बाद जब हम लोग अपने होटल्स में जाते हैं तो कोशिश कीजिए जो आपकी जो पहली जॉब होगी वो किसी आप एक अच्छे होटल से स्टार्ट कीजिए, ना कि किसी छोटी बड़े छोटे मोटे रेस्टोरेंट से। तो ये भी आप हमेशा ध्यान कीजिए कि और शुरुआत के जो आपके दिन होते हैं, आपको पैसा नहीं देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि हो सकता है कि थ्रू में आप जब भी अपना कॉलेज खत्म करें तो आपको कोई रेस्टोरेंट वाला 15,000 रुपये दे दे, बट आप किसी एक होटल में ही जाइए जो आपको मात्र में भी 10,000 रुपये ही दे रहा हो। तो आप प्रेफर कीजिए एक ब्रांड, ना कि उस टाइम पैसे। उसके बाद आपको अपना टाइम देना है उस जगह को, वहां से आपको सब कुछ सीखना है जो भी आपको वहां बताया जा रहा है, बिकॉज कॉमी-3 से कोई ज्यादा एक्सपेक्ट करता भी नहीं कि वो उनके लिए बहुत ही कुछ फायदेमंद होगा। तो सेम आपको लेबर काम करना है, आपको टाइम और पैसा दोनों नहीं देखना है। एटलीस्ट 2 साल के लिए तो आप भूल जाइए कि आप इस इंडस्ट्री में पैसा भी कमाना है, क्योंकि जब कमाने का मौका आएगा आप इतने कमाओगे कि जो आपने जो पिछले कुछ जो आपने साल 2 साल या 3 साल में नहीं कमाया है वो सब आप उसमें रिकवर कर लोगे, पूरे कर लोगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, आपका टाइम और पैसा आपको नहीं देखना है। इसके बाद अगर आपको लगता है जब आप कॉमी लेवल पे काम कर रहे हो 1-2 साल, तो आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने हैं। आपको अगर आपको इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। आप कोचिंग लीजिए, क्लासेस लीजिए, साथ साथ आप कंप्यूटर सीखिए, आप कंप्यूटर्स में कैसे काम करते हैं, फॉर्मूलाज कैसे लगाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आगे फायदेमंद रहेगी। जैसे कि आपको एक्सेल में काम करना आना चाहिए, आपको फूड कॉस्ट निकालनी है, आपको कहीं प्रेजेंटेशंस देनी है, तो ये सब आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ आप अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कीजिए, आपको बोलने का मौका मिलना चाहिए आगे आने का, क्योंकि जब भी आप आगे कहीं शेफ बनेंगे तो आपको बोलना भी आना चाहिए। तो हर प्रकार के लोग होते हैं जो कि हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, एटलीस्ट आप स्टार्ट कीजिए ये सारी चीज़ें सीखना। इंग्लिश भी इंप्रूव कीजिए अपनी, तो ये होगी आपकी दूसरी बात। उसके बाद जो आपका टारगेट होगा अगले 2 या 3 साल का, वो होगा मुझे किसी एक अच्छी जगह पे एज ए DCDP या CDP काम करना है। तो आपको देखना है कि वो जो आपकी जो DCDP या CDP वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, आपके शिफ्ट लगाते हैं, आपके शिफ्ट इंचार्ज होते हैं, स्टोर्स लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में डालनी है। और वो किस तरीके से एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरू में बोला कि आपको किसी होटल में काम करना है, क्योंकि रेस्टोरेंट में ज़्यादातर कोई सिस्टम नहीं होता है। मैंने भी अभी देखा है या कोई कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हैं तो कोई सिस्टम्स नहीं डालता ही नहीं है। तो आपको एक होटल में काम करना है जहाँ की एक प्रॉपर
सिस्टम्स हो, तो आपको वो सारे सिस्टम्स सीखने हैं। इसके साथ साथ आप हैसप्स की ट्रेनिंग होती है, उनके लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 के एग्जाम्स होते हैं। कोशिश कीजिए कि आप उनमें इन्वॉल्व होइए, अपने आप को हैसप्स से सर्टिफाइड करवाइए, ISL सर्टिफाइड करवाइए। कहीं कहीं पर कंपनीज करवाती है, होटल्स करवाते हैं, आप पर्सनल भी इनकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि ICF है, IFCA है, तो उनमें अपने आप को इनरोल करवाइए। शेफ चॉइस मैगजीन है, उसमें आपको इनरोल करवाइए और देखिए कि वो लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ एक भीड़ का हो, आपको अलग हटके काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें साथ साथ आप अपनी वीडियोस बना सकते हैं छोटी छोटी, आप अपनी बुक्स लिख सकते हैं, व्लॉग्स लिख सकते हैं, आपके रेसिपीज के फेसबुक पेज पे डाल सकते हैं। तो ये सारे आपको अभी करना है, ये आपको इस टाइम पे लर्निंग पीरियड है जो आपके लिए 3 या 4 साल का, जब कॉमी लेवल पे कर रहे हैं। जब आप CDP लेवल पे आ जाते हैं तब आपको अपनी टीम को बिल्ड करना सीखना है, मतलब कि आपको अपने साथ कितने बंदों को लेके चल सकते हो, क्योंकि इस समय के बाद आपके पास मौके आने लग जाते हैं जब कंपनी वाले बड़े बड़े होटल्स आपको देख के, आपके काम को देख के, आपने इन सालों में क्या किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, आपके ब्लॉग्स कहाँ छपते हैं, आप कैसे बात करते हो, इन और आपका आपके अंदर काबिलियत क्या है, खूबी क्या है, इन सबको देख के आपको कहीं पे शू शेफ, एग्जीक्यूटिव शू शेफ या एग्जीक्यूटिव शेफ के लिए बुलाते हैं। तो उस टाइम आपको अपनी टीम की जरूरत होती है, आपको एक टीम बनानी होती है। तो और क्योंकि आपने ये सारा काम सीख लिया है कि आपका शू शेफ या CDP क्या कर रहा है, तो आपके पास ये प्लस पॉइंट है, तो आपको वो ईजिली हायर कर सकते हैं। आपको पूरे सिस्टम सीखने हैं एक कंपनी में काम करने के, मैनेजमेंट किस तरीके से सोचता है, एक जो नीचे क्लास में मान लीजिए आपका Commi-3 या Commi-2 वो कैसे सोचता है, क्योंकि आप उन सारी स्टेजेस से गुजर चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है अपने 4 या 5 सालों में, और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं, आप कॉर्पोरेट शेफ भी बन सकते हैं, आप रिसर्च भी कर सकते हैं, आप एक खुद का अपने सेटअप्स भी डाल सकते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप चाहे। तो बस कहना मतलब यही है, जब आप शुरू अपना कैरियर स्टार्ट करें तो आप सिर्फ एक थ्योरी पे या एक सिर्फ प्रैक्टिकल पे ना जाए, आप दोनों चीज पे ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप कॉमी लेवल पे आते हैं, आप पैसा और टाइम को मत देखिए, आप सीखने की कोशिश कीजिए, आप देखिए वहाँ पे सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं, अपनी इंग्लिश इंप्रूव कीजिए, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उनके साथ जुड़िए, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़िए, आप कंपटीशन में हिस्सा लीजिए, अपनी पहचान बनाइए, अपने ब्लॉग्स लिखिए, अपनी वीडियोस डालिए। तो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद जब आपको मौका मिले तो आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाइए। तो ये वीडियो मैं आप यहीं खत्म करूंगा, क्योंकि ये तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके अलावा भी आपके अंदर जो होना चाहिए वो आपका पैशन होना चाहिए और एक डिसिप्लिन होना चाहिए, जो मैंने लास्ट में बोला। तो प्लीज़ मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास कुछ और भी सुझाव हैं आप इम्प्रूवमेंट करने के, या आप किसी और टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो हूँ उस टॉपिक को बनाऊँ। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो बेल वाला आइकन आएगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।